नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फूड रेसिपी विद रॉय चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं कमल ककड़ी, इसे लोटस स्टेम भी कहते हैं। और हमने इस तरह की कमल ककड़ी ली है, ये दोनों तरफ से पैक होनी चाहिए। ये क्या है, पानी में उगती है, पानी की गंदगी इसके अंदर नहीं जाती अगर ऐसी पैक वाली होगी तो। और अगर आप कटी हुई लोगे तो उसमें गंदगी ज़्यादा निकलेगी। तो हम सबसे पहले इसे छील लेते हैं। ये थोड़ी हार्ड है छीलने में भी और इसे बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसके दोनों तरफ के हिस्सों को कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अंदर से साफ है। इसी प्रकार से हम सभी को छीलकर तैयार कर लेंगे। हमने सभी को छीलकर तैयार कर लिया है और इन्हें कट करने से पहले हम पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो इनके अंदर की गंदगी है वो आसानी से निकल जाए। इसे हम कट कर लेते हैं। सभी को हमने कट कर लिया है। पानी को अच्छी तरह बॉईल होने देंगे। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, अब इसे हम डाल देंगे। इसे हम 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉईल करेंगे ताकि इसकी जो गंदगी है वो निकल सके। जब तक ये बॉईल होते हैं, हमने यहाँ कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने ऐड किया है लहसुन, काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, और साथ ही लिए हैं 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच जीरा, और साथ ही इसके लिए हींग। हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, इसलिए हम हर सब्ज़ी में हींग डालते हैं। और एवरेस्ट मसाला लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच लिए हल्दी पाउडर, 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च लिए, अदरक और हरी मिर्च, साथ ही लहसुन, इन्हें हम कूट लेते हैं। मसाला हमारा कूट चुका है और साथ ही 5 मिनट हो चुकी है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और कमल ककड़ी को हम बाहर निकाल लेते हैं। गैस को ऑन करेंगे और इस पर हम कुकर चढ़ाएंगे और इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छा गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और इसी में डाल देंगे जीरा और हींग और साथ ही डाल देंगे कुटा हुआ मसाला। मसाले को 1 मिनट के लिए पका लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है, इसी में डाल देंगे प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी कर लेंगे। प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं, इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, एवरेस्ट मसाला और साथ ही डाल देंगे टमाटर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, इसमें हम 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह पक चुका है, इसी में डाल देंगे ये कमल ककड़ी। साथ ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मसाले के अंदर हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। पहले इसे हमने 2 मिनट के लिए मसालों के अंदर मेल्ट कर लिया अच्छी तरह और अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे।
कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसमें हम 6 सीटी लगा लेंगे। 6 सीटी लग चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और इसकी जो गैस है उसे निकलने देंगे 10-5 मिनट के लिए। कुकर की गैस निकल चुकी है और हम सब्जी को ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसी में डाल देंगे हरा धनिया, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।